ये चार लेंसेज आपके सामने डिफरेंट फोकल लेंथ और अपर्चर साइज के दिए गए। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के लिए इनमें से किस लेंस का यूज करेंगे आप एज एन ऑब्जेक्टिव और किसका एज एन आई लेंस, कैसे चुनाव करेंगे। माइक्रोस्कोप से बहुत छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं तो बहुत पास रखा जाता है लेंस के, तो फोकल लेंथ कम हो, अपर्चर साइज भी कम हो, तो ऑब्जेक्टिव कौन सा लेंस बनाएंगे। अपर्चर साइज ये है लेकिन फोकल लेंथ इन दोनों में इसकी कम है तो ये होगा ऑब्जेक्टिव जैसा। अब आई लेंस क्या होता है, उसका अपर्चर साइज बराबर हो सकता है या थोड़ा बड़ा हो सकता है। मेन चीज ये है कि आई लेंस और ऑब्जेक्टिव के बीच की फोकल लेंथ का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर यही तो हुआ ना, 10 के बाद 50 ही तो है जिसकी अपर्चर साइज लगभग सेम वही है लेकिन फोकल लेंथ का डिफरेंस इसी में सबसे कम आएगा, बाकी तो बहुत ज्यादा हो गई। तो ये हो गया आई लेंस जैसा, है ना इंटरेस्टिंग।